स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉन मिल्टन की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एक सोनेट है, छोटी पोएम है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, जब मैं यह विचार करता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, या जब मैं यह विचार करता हूं कि मैं कैसे अंधा हो गया। कंसीडर मतलब समझना, माय लाइट इज स्पेंट मतलब मैं अंधा हो गया। हीरे हाफ माई डेज मतलब मेरी जो ज़िंदगी है, जो मेरा जीवन है, उसके आधे से भी कम समय में, मतलब एक आदमी की जो आयु होती है 100 साल मानी जाती है, एक आइडियल लाइफ 100 ईयर्स की होती है, मतलब 50 साल से भी कम उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह जो विशाल विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार है, उसमें, इस विशाल विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे उम्र से भी कम उम्र में चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और एकमात्र वही योग्यता, टैलेंट्स में योग्यता, जो कि मृत्यु के साथ ही छिपती है या मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है, लॉस्ड विथ मी यूजलेस, मेरे पास बेकार ही पड़ी हुई है। यूजलेस मतलब बेकार, और लॉस्ड मतलब पड़ी हुई। दो माई सोल मोर बेंट, जब मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बेंट मतलब वैसे झुका होता है, लेकिन मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है किस चीज़ के लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, जो मेरे निर्माता हैं या जो मेरे ईश्वर हैं उनकी सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रूथ माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और मैं अपने सही लेखा जोखा को, अकाउंट मतलब लेखा जोखा को प्रस्तुत करने के समय कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझे डांटे फटकारे। लिस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, और रिटर्निंग चाइल्ड मतलब जब मैं डेथ के बाद वहाँ पहुँचूँगा, उनके वहाँ वापस जाऊँगा, तो कहीं उनकी सेवा न करने के कारण मुझे डांटा फटकारा ना जाए। दत्त गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, दत्त यहाँ पे ऐसे हेल्पिंग वर्ड यूज हुआ है टू या डच के लिए, तो दत्त गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड का मतलब है अंधे लोग, तो क्या गॉड या ईश्वर अंधे लोगों से भी परिश्रम कराना चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन जो मेरा धैर्य है मुझे यह सोचने से रोकता है। मर्मर मतलब बड़बड़ाना, जो मैं अपने आप में बड़बड़ाता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, तो मेरा धैर्य मुझे ऐसा करने से रोकता है। प्रिवेंट मतलब रोकना, मर्मर मतलब बड़बड़ाना। सुन रिप्लाई और जवाब देता है, गॉड डथ नॉट नीड, गॉड को इसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब मेरी सेवाओं की आवश्यकता गॉड को नहीं है, ईश्वर को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क आर हिज ऑन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल योग दे सर्व हिम बेस्ट, गॉड को ऐसे मनुष्यों के वर्क की, कार्य की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को मनुष्यों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, ना ही ईश्वर के द्वारा, ना ही ईश्वर को जो उपहार देता है आदमी उसकी ही आवश्यकता है। बियर हिज माइल योग दे सर्व हिम बेस्ट, और जो कोई व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए कठिन कष्टों को हंसते हुए आसानी से झेलता है, वही ईश्वर की अच्छी सेवा करता है। माइल्ड मतलब कठिन, योग मतलब जो बैल के कंधे पर रखा जाता है, जुआट, तो यहाँ पे जुआट से मतलब है कष्ट, तो ईश्वर जो कष्ट की गठरी जिसके पीठ पर जो भी रख दिया है, तो जो उस कष्ट को आसानी से झेलता है, वही व्यक्ति ईश्वर की सही सेवा करता है। हिज स्टेट इज किंगली, और जो ईश्वर है उसकी जो स्थिति है बिल्कुल राजसी है। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसके आदेश सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उसके आदेश पर जमीन से लेके महासागर तक बिना आराम किए दौड़ते रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं
जो इस इंतजार में खड़े रहते हैं, उनका नंबर आएगा, उनकी बारी आएगी और वे ईश्वर की सेवा करेंगे। कहने का मतलब, ईश्वर के यहाँ तो सेवा करने वाले लोग कतार में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ईश्वर कब आदेश दें और हम कब उनके आदेश का पालन करें, उनकी सेवा करें। तो ऐसे में ईश्वर सामान्य मनुष्यों से कुछ भी नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि उसे ईश्वर के लिए कोई मनुष्य कुछ करे या कोई उपहार दे। वह सिर्फ इतना चाहता है कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए जैसा जीवन निर्धारित किया है या जीवन में जो भी कष्ट दे रखे हैं उसको सहजता से हंसते खेलते झेले, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो में और कुछ क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं।